नमस्ते बच्चों, हमने कक्षा चौथी में हम पाठ देख रहे हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, नसीरुद्दीन का सफर। इसके भाग हमने दो भाग देख चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि छात्र और मौलवी का कैसा रिश्ता था, उन्होंने कैसे सीखा, और दूसरे भाग में देखा कि वो कहीं जा रहे थे शहर में और वो गधे पर उल्टे बैठे थे। आज जानते हैं जिस व्यक्ति ने उन्हें प्रश्न पूछा था, क्यों आप उल्टे बैठे, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें आगे मौलवी क्या उत्तर देते हैं वो जानते हैं। चलिए, मुल्ला बोली, मैं उल्टा इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आप सब मेरे पीछे हैं। अगर मैं सीधा बैठता तो आपको कैसा दिखता, कैसा दिखता, कैसे दिखता? मुल्ला क्या बोले, क्या बोले, मैं उल्टा इसलिए बैठा हूँ। अब उत्तर है इनका, इसका उत्तर है, मौलवी का उत्तर है, क्या दे रहे, ठीक से सुनिए। मुल्ला बोले, मैं उल्टा इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आप सब मेरे पीछे हैं। अगर मैं सीधा बैठता तो आपको कैसे देखता, आपको दिखता होगा, अगर मैं आपके पास ऐसे खड़े हूँ तो दिखेगा क्या पीछे से, नहीं। इसकी वजह से वो कैसे बैठे थे, देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ना कैसे बैठे, देखो गधे पर उल्टे और ये सब को कहाँ पर है, पीछे है। मुल्ला फिर बोले, अगर आप लोग मुझसे आगे चलें तो आपको पीठ मेरी और होती, और वह तो बेयाद भी होता ना, ये क्या होता, वो उनका बेयाद भी यानी अपमान, क्या होता, अपमान होता, इसका अपमान होता, जो छात्र है उनका क्या होता, अपमान होता, क्या होता, अपमान होता। क्यों अपमान होता रे, क्यों होता, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, पीछे चल रहे उनके और ये क्या है, आगे चल रहे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो गधे पर उल्टे बैठे। सभी लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह बात बाग बाग कर गई, बाग बाग करनी यानी कायल होना, क्या होना, कायल होना बात का, यानी हम बोलते ना इस व्यक्ति से हम बहुत प्रभावित हुए पैसे। अब मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी उड़ाने की बजाय लोग उनकी बुद्धि के कायल हो गए, क्या हो गए, कायल हो गए। कोई सोचता है क्या इतना दूसरे के बारे में कि ये ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा, पर एक मुल्ला ने क्या किया, एक सबक दिया कि हमें किसका सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए और सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। इस तरह से इस कहानी से हमने सीख ली कि कभी भी दूसरे से क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। इस कहानी से हमने यह सबक लिया। चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।